और हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 में जो है फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इसका मतलब अगर हम बात करें आप लोगों से तो इसको निराशा कहा जाता है ना, एक प्रकार से आप हताशा का भी नाम दे सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप जानते हैं आप सभी लोग, और उसका मतलब होता है संघर्ष, है ना। अब ऐसे में जो प्रश्न आने वाले हैं, फैक्ट नहीं बनाएगा प्रश्न, और आपको बनाएगा विचार पर, या तो उसके अर्थ या विशेषता पर या उसकी मीनिंग से प्रश्न आपके मेडिकल सोशल वर्क में हो सकता है ना। पिछली बार उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में यहाँ से प्रश्न नहीं था, संघर्ष से प्रश्न था, ठीक है, तो जो उत्तराखंड में पिछली बार हुआ था पेपर। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा हम लोग इस पे जिक्र करते हैं, क्या इसके बारे में कहना चाहता है, ये क्या एक कॉन्सेप्ट है। ये निराशा बेसिकली आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं, हताशा को ही कहा जाता है। हताशा को ऐसे समझा जा सकता है कि एक प्रकार से असंतोष की भावना। मैं एक एक करके लिखूंगा ताकि आपको अस्पष्ट हो जाए, केवल मीनिंग समझिएगा बस आप लोग। निराशा तो ये एक प्रकार की, अगर हम बात करें तो ये असंतोष की भावना है। अच्छा, असंतोष की भावना से तात्पर्य क्या है, निराशा होता है या हताशा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो किसी व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता उत्पन्न होती है, वही हमें देखने को मिलता है निराशा। अब हम यही देख सकते हैं, अब हम लोगों को निराशा ही एक प्रकार से असंतोष की भावना ये उत्पन्न हुई कि नहीं, कि ESIC ने जो है PG वालों को नहीं लिया, BSW वालों को लिया केवल, कहने में। अब इसके अंदर हम ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं, एक उदाहरण है, हम इसको कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता, अब ये लक्ष्य प्राप्त करने में हमें असमर्थता हो रही है, और यही असमर्थता से उत्पन्न प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निराशा कहते हैं। यही असमर्थता से होती है या असमर्थता से उत्पन्न होती है, आप यहां पे उत्पन्न लिखिए, उत्पन्न होती है बस, ठीक है। हम कल्पना भी कर सकते हैं कि आप किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, भले ही आपने यथासंभव कड़ी मेहनत की हो, फिर भी आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको निराशा महसूस होती है। इसे भी हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जो शब्द है ये रिलेट कराता है निराशा शब्द को, ठीक है। व्यक्ति क्रोध, चोट इत्यादि ऐसे मिश्रित या मिक्स्ड भावनाएं हैं, उन भावनाओं का अनुभव करता है और शक्तिहीनता को रिप्रेजेंट करता है, तो वो शब्द निराशा को प्रस्तुत होती है, ठीक है। एक बार म्यूट हो जाइएगा मैम, ठीक है। अब निराशा जो है बेसिकली इसमें दो कारक हैं, इनको समझ लीजिए, आपका निराशा टॉपिक कवर हो जाएगा। इतना ही आप लोगों से पूछा भी जाएगा, इसके मीनिंग से ही आता बस। निराशा के एक आंतरिक कारक होता है और एक बाह्य कारक होता है। पहले हम आंतरिक कारक के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आंतरिक कारक क्या होता है, मान लीजिए वे जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, जैसे व्यक्तिगत कमजोरियां हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्तिगत कमजोरियां, ठीक है। और अगर हम ये भी कह सकते हैं आंतरिक के अंतर्गत, आत्मविश्वास के मुद्दे को भी रख सकते हैं, या आत्मविश्वास के अभाव को भी रख सकते हैं, या कमी को भी दर्शा सकते हैं। व्यक्तिगत दुविधा, आप व्यक्तिगत दुविधा की बात भी कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत दुविधा की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत दुविधा, दुविधा मतलब तर्कना होता है एक प्रकार से, तर्कना मतलब संघर्ष हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, तो कामकाजी माहौल में आज के समय में एक कर्मचारी परियोजना को लागू करने के लिए निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करता, अनुमोदन का मतलब स्वीकृति, स्वीकृति प्राप्त करने के इरादे से एक परियोजना का प्रस्ताव का काम करता है। भले ही वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन प्रस्तुति में
वह मंच पर डर जाता है या उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने में तेज होते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्रेस करने में उनको प्रॉब्लम होती है, अव्यक्त करने में उनको दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से वो विफल हो जाते हैं प्रदर्शन करने में। तो आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसा होता है। तो एक कारण ये भी है, आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी के कारण से होता है ऐसा, है ना। इसकी वजह से अच्छा प्रदर्शन करने में वो विफल रहता है। कर्मचारी निराश महसूस करता है या निराश जैसी भावनाएं उत्पन्न होती है उसके अंदर। तो यह सब एक प्रकार का निराशा का आंतरिक कारक के अंतर्गत एक उदाहरण माना जाता है ये। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक बाह्य कारक आता है। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, है ना। बाह्य कारक आता है, बाह्य कारक के अंतर्गत जो है निराशा शब्द की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अंतर्गत हम बात जब करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि कारकों से जो व्यक्ति से बाहर, मतलब जो व्यक्ति से बाहर है, जैसे कि काम करने की स्थिति, सहकर्मी, समय सीमा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि आप किसी मामले में कर्मचारी ने एक टीम में काम किया और वो ग्रुप में, टीम का मतलब ग्रुप में, अब समूह के अन्य सदस्यों की प्रतिबद्धता की कमी के कारण वरिष्ठों द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अन्य सदस्यों की प्रतिबद्धता है, प्रतिबद्धता का मतलब समझते हैं आप लोग, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, वचनबद्धता, हाँ कमिटमेंट, वचनबद्धता, प्रतिबद्धता मतलब वचनबद्धता की कमी के कारण वरिष्ठों द्वारा जो है प्रस्ताव को अस्वीकार किया कर दिया जाता है। और फिर यही जो है बाहरी कारक होता है जो निराशा का कारण बन जाता है, है ना। तो संगठनात्मक मनोविज्ञान में यह माना जाता है कि थोड़ी सी निराशा प्रेरक के रूप में काम कर सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति है जहां निराशा नकारात्मकता को जन्म देती है, है ना। तो जैसे सहकर्मी के प्रति आक्रामकता का जो मामला है वो आप दर्शा सकते हैं यहां पर, आक्रामकता का मामला या आक्रामकता के मामले में अगर हम बात करें तो ये उदाहरण आपका सही रहेगा इसमें। तो ये बाहरी बाह्य कारक को जन्म देता है, याद रखिएगा, किसी काम करने की स्थिति यानी कंडीशन को, कार्य की स्थिति को, ठीक है। एक प्रकार से ये बाहर के कारक होते हैं, ठीक है। उसके बाद संघर्ष एक शब्द है। संघर्ष आप जानते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि जब बात वर्ग संघर्ष की होती है तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है, लेकिन यहां जो संघर्ष है, संघर्ष एक ऐसी स्थिति है, संघर्ष को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, रूप में परिभाषित, ठीक है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, जहां व्यक्ति को दो या दो से अधिक भिन्न हितों के कारण ठीक है, किसी निर्णय पर पहुंचने में क्या हो, कठिनाई, उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वही संघर्ष कहलाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि एक ऐसे छात्र की कल्पना करते हैं जिसे अपने भविष्य के बारे में संदेह है, वह नहीं जानता है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश करे और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करे या फिर काम करना शुरू करे, क्योंकि उसके पास वित्तीय कठिनाइयां हैं। वित्तीय कठिनाइयां का मतलब होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति व्यक्ति के भीतर द्वंद्व पैदा करती है
है ना, ऐसे एक भावनात्मक स्थिति के रूप में भी देखा जा सकता है जहां व्यक्ति दुविधा में रहता है। आपने एक द्वंदात्मक उपागम है, हालांकि द्वंद परिहार से परिहार भी होता है, उपागम से उपागम भी द्वंद होता है, आपने सुना होगा परिहार से परिहार उपागम, या आप कह लीजिए द्वंद। किस विद्वान के द्वारा दिया गया है बता सकते हैं आप? नाम याद है आपको? अप्रोच ऑप्शन दे दूं? छोड़ो, अच्छा मैं बता भी देता हूं आपको, यहीं पे कार्ट लेविन का है। देखिए बेसिकली ये जो प्रक्रिया है, यहीं से समझा रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यही इसी का टॉपिक है। मेंटल, आपने कॉन्फ्लिक्ट का नाम सुना होगा, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मानसिक संघर्ष बोलते हैं। मानसिक संघर्ष बेसिकली इसके नाम से हम ये बात स्पष्ट कर लेते हैं कि संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है, जब उसकी स्वयं की रुचियां और इच्छाओं विपरीत कार्य करने लगती है, तो वो एक प्रकार से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी में नाम आया कर्ट लेविन। कर्ट लेविन ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी, इसी फील्ड थ्योरी के द्वारा ये विकसित किया मानसिक स्थितियां। इसी मानसिक संघर्ष को तीन भागों में इसने डिवाइड किया, तीन भागों में डिवाइड किया, और एक था उपागम, उपागम संघर्ष, दूसरा था परिहार, परिहार संघर्ष, तीसरा था उपागम परिहार संघर्ष। किसी किसी किताब में मिक्स भी मिल जाता है। वही नाम आएगा आपका, कर्ट लेविन। कर्ट लेविन तो मानसिक संघर्ष पूर्ण रूप से मानसिक होता है जब व्यक्ति जब तक किसी निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं कर लेता है, या मानसिक या विचारों या संघर्षों को समाप्त नहीं कर पाता, वही प्रक्रिया को हम लोग मानसिक संघर्ष कहते हैं सर। कर्ट लेविन का ही नाम आता है। तो बेसिकली यहां जब कर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी के माध्यम से बताया उपागम, उपागम थ्योरी, सॉरी उपागम, उपागम संघर्ष, तो उस दौरान बात को ध्यान समझिएगा, जब दो धनात्मक लक्ष्य आपके सामने हैं, कितने दो धनात्मक लक्ष्य आपके सामने रखे गए हैं, और वो भी एक ही समय में है, मान लीजिए किसी विद्यार्थी को समाजशास्त्र और समाज कार्य दोनों विषय बहुत प्रिय हैं, दोनों विषय बहुत प्रिय हैं, सोशल वर्क भी और सोशियोलॉजी भी, लेकिन दोनों के जो घंटे का समय है वो एक ही दौरान हो रहा है, टाइम जो है, जो टाइमिंग रखी गई है क्लास का, वो क्लास का समय एक ही समय है। मान के चलिए एक से दो आपके चलता है सोशल वर्क, और एक से दो आपको चलता है सोशियोलॉजी, समय यही है। तो आपको यहां पर एक को त्यागना पड़ेगा, या तो आप सोशियोलॉजी को त्यागो या तो आप सोशल वर्क को त्यागो। जब ये परिस्थितियां आपके मन में आती है कि मैं किसको त्यागूं, तो यहां आपके अंदर उपागम, उपागम संघर्ष हो रहा होता है, उसको बोलते हैं अप्रोच, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, या संघर्ष होता है। दूसरा आपके सामने है परिहार, परिहार ये बेसिकली अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है इसको इंग्लिश में। यहां इस प्रकार के संघर्ष में दो ऋणात्मक लक्ष्य रखे जाते हैं, या ऋणात्मक संघर्ष व्यक्ति के सक्षम होने की बात करता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर ऋणात्मक शब्द केवल याद रखें बस। तो दो ऋणात्मक संघर्ष व्यक्ति के समक्ष होते हैं। यदि छात्र पढ़ने में परिश्रम नहीं करेगा तो वह फेल हो जाएगा। यहां पर छात्र दोनों ही परिस्थितियों में बचना चाहता है, अतः आप ये बात कह सकते हो कि वह संघर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है,
और इसमें व्यक्ति परिस्थिति के साथ संघर्ष और अनिश्चय का व्यवहार करने लगता है। कहने का मतलब वो पढ़ना भी नहीं चाहता है और वो पास भी होना चाहता है। कोई सिपाही ना युद्ध में मरता है और ना ही वह नकारा साबित होना चाहता है, होते ना, वो ना ही युद्ध करने जाना चाहता है और ना ही वो मरना चाहता है। दोनों परिस्थितियां निगेटिव पार्ट में है ना। आप पास भी होना चाहते हो और पढ़ना भी नहीं चाहते हो, तो ये दोनों ऋणात्मक है। इसको बोलते, इस टाइप का अगर संघर्ष आपके मन में हो रहा है तो इसको परिहार परिहार कहा जाता है। तीसरा उपागम परिहार, दोनों यहां पर एक उपागम है एक परिहार है। यहां अगर हम बात करें, जब एक ही समय में व्यक्ति किसी को चाहता भी है और उससे घृणा भी करता है तो वहां उपागम परिहार संघर्ष होता है। मतलब एक ही समय में व्यक्ति किसी को चाहता भी है और उससे घृणा भी करता है तो वह उपागम परिहार होता है। तो ये एक प्रकार के आंतरिक तनाव है। ये क्या है? आंतरिक तनाव है, आंतरिक तनाव, ये तनाव है। कहने का भाव, कोई बालक फुटबॉल भी खेलना चाहता है और चाहता है कि चोट भी ना लगे। देखिए थोड़ा सा अंतर है ऊपर वाले प्रतिक्रिया से। उसमें यह था आपसे कहा जा रहा था कि कोई सिपाही ना युद्ध में मारता है किसी को और वह ना ही नकारा साबित भी होना चाहता है। दूसरी बात, यदि वह छात्र पढ़ने में परिश्रम नहीं करेगा तो वह फेल हो जाएगा। यहां पर छात्र दोनों ही परिस्थितियों में बचना चाहता है, परिश्रम भी नहीं करना चाहता और फेल हो जाएगा, यानी वो फेल होना भी नहीं चाहता है। और यहां जो आपका देखने को मिला है, इस परिस्थिति में वो चाहता है कि फुटबॉल भी खेलना और चोट भी ना लगे। वो पढ़ना चाहता है लेकिन वो अगर मेहनत नहीं कर रहा है, परिश्रम नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि वह पढ़ो लेकिन वो किसी का कंडीशन बस नहीं पढ़ पा रहा है, कोई परिस्थिति बस, और वो फेल भी नहीं होना चाहता है। ऐसी स्थितियां उपागम परिहार का बनता है। तो ये तीन पार्ट, ये तीनों पार्ट बेसिकली रिलेट कराता है किसको, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, संघर्ष को। तो संघर्ष बेसिकली एक प्रकार के भावनात्मक संघर्ष है और भावनात्मक संघर्ष जो होता है उसी भावनात्मक संघर्ष से निराशा पैदा हो सकती है। भावनात्मक संघर्ष से निराशा पैदा हो सकती है ना। हताशा और संघर्ष के बीच कड़ी है एक। संघर्ष शारीरिक असुविधा जैसे अनिद्रा, सिर दर्द, खाने में असमर्थता से जुड़ा हो सकता है। भावनात्मक संघर्षों का सामना करने पर लोग रक्षा तंत्र का उपयोग करते हैं, जैसे प्रक्षेपण हो गया, व्यवस्थापन हो गया, व्यापक रूप से इसका उपयोग कर सकता है। टकराव, दो या दो से अधिक लोगों के बीच से जो उत्पन्न हो सकता है वही एक प्रकार का संघर्ष होता है। बस इतनी बात आप ध्यान रखिए। तो एक कॉमन सा परिभाषा है, मैं उस परिभाषा को यहां पर लिखना चाहूंगा। निराशा, नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, निराशा को असंतोष की भावना के रूप में, भावना के रूप में परिभाषित होगा, परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है ये निराशा। और एक आपका संघर्ष, संघर्ष को एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसी
स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जहां व्यक्ति को दो या दो से अधिक भिन्न हितों के कारण किसी निर्णय पर पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हो। बस ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बस यही आपका ये जो टॉपिक है ये आपका समाप्त होता है। और इसके अंतर्गत और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने अभी तक छोड़ा है, उसको भी यहाँ पे कवर करना चाहूंगा, उसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और उसे आप समझ लीजिएगा। आपने नाम सुना होगा एक प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा जो तंत्र है जी, पीछे का स्लाइड क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए एक बार सर, एक मिनट रुक जाइए, निराशा वाला। ओके, निराशा जी सर। ओके, हो गया सर, थैंक यू। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे, ये भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने नाम सुना है प्रतिरक्षा तंत्र, यहां मैं रक्षा युक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, प्रतिरक्षा तंत्र की बात कर रहा हूं, इम्यूनो सिस्टम की बात कर रहा हूं, है ना। हेल्थ साइंस के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, मेडिकल सोशल वर्क है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इसे बेसिकली स्वास्थ्य विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जाना जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव रोग या रोगों के कारण लक्षण तथा उपचार का अध्ययन किया जाता है, उसे स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं या हेल्थ साइंस कहते हैं। ये एक बात आप ध्यान रखिएगा। आपने एक नाम सुना होगा हिप्पोक्रेटस का नाम, या हिप्पोक्रेटस भी नहीं कहा जाता है, क्रेटस नामक वैज्ञानिक को स्वास्थ्य विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान के जनक हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आपको एक बात पता होगी कि हमारे शरीर में रोगों की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक अंग तंत्र होता है, उसी अंग तंत्र को ही प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं हम लोग, इम्यूनो सिस्टम उसी को कहते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक मिनट जरा होल्ड। जी सर। ओके, तो हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए
हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एक अंग तंत्र, एक अंग 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 तंत्र, ठीक है, होता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करना बेसिकली इसी प्रक्रिया को कहलाती है या इसी प्रक्रिया को कहा जाता है। सन 1776 की बात बता रहा हूं आपको, 1796, एक विद्वान थे, उनका नाम है एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम चेचक के टीके को विकसित किया था। सर्वप्रथम चेचक के टीके को विकसित किया था ठीक है, और इसी को इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को ही, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो मानव रोग बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मानव रोग कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं मानव रोग, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जन्मजात रोग और एक होता है अर्जित या उपार्जित, कह लीजिए उपार्जित रोग। इनबॉर्न अगर हम बात करते हैं तो नाम जन्मजात डिजीज आता है, और अपार्जित को हम लोग एक्वायर डिजीज कहते हैं, ठीक है। जन्मजात समझ लीजिए एक बार कि वे रोग जो मनुष्य में जन्म से पहले ही हुए होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए उन्हें अनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। तो जन्मजात रोग के अंतर्गत चार बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हम लोगों के परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस पूछा जाता है, पहला आता है वर्धांतता, दूसरा हीमोफीलिया, ये पेपर में दोनों आया है, हीमोफीलिया ये जन्मजात होते हैं, तीसरा रंजक हीनता, चौथा सिंड्रोम। चार डिजीज हैं जो जन्मजात होते हैं। ये जो एक्वायर रोग होते हैं उपार्जित, ये रोग जो मनुष्य में जन्म के बाद होते हैं उसे उपार्जित रोग कहते हैं। इस रोग को दो भागों में बांटा गया है, एक को संक्रामक रोग कहते हैं या संक्रामक रोग बोला जाता है, दूसरा असंक्रामक रोग कहा जाता है, ठीक है। अब समझिए एक बार, संक्रामक रोग के अंतर्गत मैंने भी आप लोगों को हाल ही में बताया है, ये साधारण रोग के रूप में होता है, जिससे अगर हम बात करें जिससे जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोवा से होने वाला रोग, क्रीम क्रीम क्रीमी क्रीमी बोला जाता है, क्रीमी क्रीमी
कृमि से होने वाला रोग है ना, ये संक्रमण रोग के अंतर्गत आता है। लेकिन ये तीनों जो होते हैं साधारणता रूप में जाने जाते हैं, तीन नहीं चार हैं। लेकिन इसी के अंतर्गत एक रुधिर संक्रमण भी होता है, संक्रामक रोग, जैसे एड्स, दूसरा हेपेटाइटिस भी आप यहां पर नोट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस को भी आप नोट कर सकते हैं जो रुधिर से संबंधित रखता है। दो दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक एड्स है और एक हेपेटाइटिस है। पहला साधारण था जी, सिफिलिस सर, सिफिलिस, हाँ सिफिलिस सर रुधिर से नहीं होगा, वो लैंगिक संक्रमण होता है। लैंगिक जो होता है सर संक्रमण रोग, जो सेक्सुअल रोग की बात मैं करूं, डिजीज की बात, तो वो जैसे अगर हम बात करें, एक होता है गोनेरिया और एक होता है सिफिलिस, सिफिलिस। तो तीन टाइप के आपने देखा, एक आपने साधारण संक्रमक के रूप में देखा है, दूसरा आपने रुधिर के रूप में देखा, तीसरा आप लैंगिक के रूप में देखा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। ठीक है, पहले जीवाणु के बारे में जिक्र करते हैं। जीवाणु बेसिकली जैसे हैजा हमने पढ़ा, टिटनस अभी हमने हाल ही में इसकी क्लास लिया था, डिप्थीरिया, काली खांसी है ना, तपेदिक यानी टीबी, टीबी और एक होता है निमोनिया, एक होता है प्लेग, एक होता है अतिज्वार, अतिज्वार और एक होता है कुष्ठ रोग। ये सब और भी रोग होते हैं जो जीवाणु से फैलते हैं। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं वायरस यानी विषाणु से, पोलियो हो सकता है और रेबीज हो सकता है, कोरोना, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, पीत ज्वर, चेचक, गलसुआ एक बीमारी होती है, नाम सुना है गलसुआ के बारे में, गलसुआ भी एक बीमारी है, इससे बेसिकली ये रोग देखने को मिलता है विषाणु से, वायरस से। एचआईवी भी इसी का पार्ट है। एक होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या है, मलेरिया, पायरिया, निद्रा ज्वार, काला ज्वार और पेचिस, ये रोग प्रोटोजोवास हो जाता है। और एक था कृमि बाई वॉर्म। इसकी बात अगर हम करते हैं तो आपने हाथी पांव सुना है, एक हाथी पांव रोग है, हाथी पांव, एलिफेंट फाइलेरिया बोलते हैं, हाँ फाइलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया। और एक इसमें और रोग होता है टीनी, टीनियासिस, टीनियासिस भी होता है एक, और एक होता है एस कैर, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस भी एक बीमारी होती है कृमि से। ये था आपका इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं जन्मजात के बारे में।
जन्मजात बेसिकली सभी को पता है, मैंने पहले लिखा था कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस इसको क्या बोला जाता है, वर्धांधता। इसमें यह रोग या एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है, इसमें रोगी को लाल और हरे रंग की पहचान से संबंधित होता है। इस रोग में बेसिकली जो जीन पाए जाते हैं वह एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर यह पाया जाता है। जो लाल रंग है, लाल रंग की वर्धांधता को बोला जाता है प्रोटोनोपिया, प्रोटोनोपिया बोला जाता है, प्रोटोनोपिया बोला जाता है लाल रंग की वर्धनता को। ठीक है, हरे रंग की जिस व्यक्ति के अंदर वर्धनता होती है, पीछे दिखा दीजिए सर, एक मिनट, ड्यू टेरे नोपिया कहा जाता है, नोपिया कहा जाता है। ठीक है, ड्यू टेरो नोपिया बोला जाता है। ठीक है, एक बार पीछे देख लीजिए अब, हो गया ओके। चलो अब ध्यान सुनिए, मनुष्य में कुल टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं तो एक 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से, मेल प्लस फीमेल समान रूप से पाए जाते हैं। इसी समान रूप को ऑटोसोमन कहा जाता है, ऑटोसोमस बोला जाता है या ऑटोसोम बोला जाता है इसी को। इधर दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन दो गुणसूत्र को स्त्री और पुरुष में अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में कौन सा गुणसूत्र होता है, एक्स, और फीमेल में वाई, दोनों अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ इसको हेटरो सोमस बोला जाता है, हेटरो सोमस बोला जाता है, या इसी को एक और नाम दिया जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम यानी लैंगिक गुणसूत्र हिंदी में इसको कहते हैं। इसी हेटरोसोम को, इसी सेक्स क्रोमोसोम्स को, यानी जो अभी आपने लिखा था हेटरोसोम सेक्स क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम में ध्यान रखिएगा जो मेल हैं उनमें एक्स वाई है, सॉरी हाँ मेल में एक्स वाई होता है, हमने ऊपर क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया क्या, मेल में एक्स वाई होता है और
उल्टा कर दिया ना हमने। और फीमेल में क्या होगा, यक्स यक्स होगा, यक्स यक्स होगा, है ना। अब वर्धांता, ध्यान समझिएगा, हम बात कर रहे हैं वर्धांतता पे। तो अगर मैंने क्या बोला है वर्धांतता में, ऊपर दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि जीन यक्ष गुणसूत्र में पाया जाता है। वर्धांतता किसमें पाया जाता है, यक्ष गुणसूत्र में। समझिएगा, अगर यहाँ पुरुष है तो इसका गुणसूत्र एक्स प्रभावित है, कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसको बोलेंगे पुरुष क्या है, वर्धांतता है। पुरुषों में क्या है, वर्धांतता है। अगर यहीं अगर मैं बात करता हूं, इस यक्ष पर एक गुणसूत्र प्रभावित है और एक गुणसूत्र सामान्य है, ये गुणसूत्र क्या है, सामान्य है, और ये गुणसूत्र क्या है, प्रभावित है, ठीक है। तो यानी एक प्रकार से ये क्या हुआ, वाहक हुआ। क्या हुआ, ये बताइए, वाहक हुआ, है ना। यानी बेटी या बेटे को भी हो सकता है, क्योंकि ये वाहक है, ये गुणसूत्र इसके बेटी में भी हो सकता है, अगर हो सकता है उसके बेटे में भी होता है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे वाहक हुआ ना ये, क्योंकि पुरुष है तो पुरुष तो जाएगा नहीं, पुरुष में क्योंकि एक वाई है, लेकिन महिला में यक्ष प्रभावित है और यक्ष गुणसूत्र इसमें भी पाया जा रहा है, तो ये प्रभावित कर सकता है, तो इसका बेटा भी हो सकता है, या तो बेटी होगी तो बेटी भी प्रभावित हो सकती है, ऐसा हो सकता है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक टर्म लिखिएगा कि अगर यक्ष वाई है तो पुरुष क्या है, सामान्य है, मेल क्या हुआ, सामान्य हुआ। अगर यक्ष वाई पर सी है तो ये क्या हुआ, पुरुष, वर्धांत हुआ, यानी ये प्रभावित हो गया, कौन, मेल। और अगर हम फीमेल की बात करें, यक्ष यक्ष क्या है, ये सामान्य है, लेकिन यक्ष प्रभावित हो गया तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सामान्य प्लस वाहक हुए। लेकिन अगर यक्ष ये भी प्रभावित है और ये भी प्रभावित है, दोनों यक्ष प्रभावित हैं, तो ये क्या हुए, महिला वर्धांत हो गई। क्या हो गई, वर्धांतता से प्रभावित हो गई, ये वर्धांतता से महिला क्या हो गई, प्रभावित हो गई। तो ये फीमेल का है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए मेल सामान्य है, ठीक है, और फीमेल भी सामान्य यहां पर है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए वो मैथ का जानकार है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, और वो विवाह करना चाहता है, तो उसे पता कैसे चलेगा कि महिला प्रभावित है या नहीं प्रभावित है, है ना। उसको पता करना है उस पुरुष को कि महिला प्रभावित है या नहीं प्रभावित है। तो यहां आप ध्यान रखिए, उसके लिए अच्छा, यहां हरा और लाल रंग की पहचान, बेसिकली अगर हम बात करें तो इसकी जिक्र होती है, और पर उन्हें पता ही नहीं है कि भाई वो महिला प्रभावित है या नहीं प्रभावित है। तो ऐसी कंडीशन में आप यक्ष प्रभावित है और ये एक यक्ष जो है महिला का वो सामान्य है, समझ रहे हो ना ये बात, ये जो यक्ष है ये प्रभावित है और ये जो यक्ष है ये प्रभावित नहीं है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये किसके लिए है, पुरुष के लिए है। अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, तो इसने क्या किया कि ये जो एक्स है ये प्रभावित है, और यहाँ पर अगर एक एक्स जो है सामान्य है तो ये क्या हो गया, वाहक हो गई महिला, ऐसा उसने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो वाहक होगा।
और अगर ऐसा होगा डबल एक्स में होगा तो लड़की क्या होगी, वो सामान्य होगी। ये मतलब लड़की, अच्छा डबल एक्स क्या होता है, दर्शाता है लड़की को दर्शाती है, यहाँ भी लड़की रहेगा, डबल एक्स जो होगा फीमेल होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा सामान्य होगा। लेकिन अगर यही एक यक्ष जो प्रभावित है यहाँ आ गया और किसके साथ, उस व्यक्ति के साथ, वाई के साथ, तो जाहिर सी बात है लड़का है, और लड़का क्या हो गया प्रभावित हो गया, यहाँ पे लड़का प्रभावित हो गया। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ ये यक्ष आ गया इसमें से और यहाँ से ये वाई आ गया, तो यहाँ पर ये क्या हुआ लड़का सामान हुआ। तो ऐसा कंडीशन होती है, ये 25% है, ये 25% कहा जाता है, 25% है, 25% है ना, तो 25-25% अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ आप देखिए प्रभावित वाली कंडीशन में, ठीक है, वाहक है तो जाहिर सी बात है 25 या 25 से 50 हो जाएगा, है ना। अच्छा यक्ष जो है, अच्छा ये सामान्य है ना, ये सामान्य 50% सामान्य होगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि कंडीशन जो है 25% बताया जाता है कि लड़का प्रभावित होगा, लड़का प्रभावित होगा, ठीक है। और लड़की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़की है 25, ये 25, ये 25, ये सॉरी ये तो सामान्य है 25, ये 25, ये। अब मान लो अगर इसमें से, अगर ये इसमें से कोई प्रभावित है तो अगर यहाँ पे भी, यहाँ अगर आएगा तो भी प्रभावित हो जाएगा, अगर ये भी जाएगा यहाँ पे तो भी प्रभावित हो जाएगा। तो 25-25-25 यानी 75% आपका जो बताता हूँ लड़की प्रभावित होगी, लड़की प्रभावित, क्योंकि वाहक है ये, उसका एक तो गुणसूत्र ठीक है ना। लड़कियों में गुण दिखाई देते हैं ये हरे और लाल रंग को मांग पहचानने वाले, हाँ उनमें ज्यादा देखने को मिलता है हरे लड़कियों में। हाँ पर मेरे को तो ऐसा कुछ याद आ रहा है कि लड़कियां वाहक होती है और लड़कों में गुण विकसित होते हैं, तो वो तो होते ही, लेकिन वाहक होते हैं लड़कियां, वाहक होते हैं ये बात तो सही, ये तो लिखा तो है, अगर बाय द वे दोनों अगर एक्स हो जाएगा तो प्रभावित होता है, वर्धनता होता है ना, वर्धनता होता है वाहक के, नहीं ये बात सही है कि लड़कियां वाहक होती हैं लड़के प्रभावित होते हैं क्योंकि एक ही एक्स है, लेकिन वाहक के रूप में नहीं, अगर दोनों एक्स अगर प्रभावित हो जाएगा, सपोज हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, होता है दोनों एक्स भी प्रभावित होता है, तो वहाँ पर वर्धनता होती है उनके अंदर भी, लेकिन ज़्यादातर लड़के ही प्रभावित होते हैं, लड़के लड़कियाँ नहीं, लेकिन वाहक लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, वो प्रभावित होंगे। कारण यह है कि वाहक होने का नतीजा यह है कि इनके पास डबल एक्स है ना, रीजन ये है। अगर दोनों यक्ष जब प्रभावित हो जाता है, ऐसा ऐसी कंडीशन तो नहीं विकसित होती है, केवल महिलाएं होती हैं वाहक की भूमिका में, बस इतना ध्यान रखिए, है ना, वाहक की भूमिका में होती हैं। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, केवल महिला होती हैं वाहक में, ठीक है, या वाहक के भूमिका में, बस ठीक है, चलो क्लियर हो गया अब। हाँ सर, जी सर, ठीक, चलो। और एक एक क्या था, हीमोफीलिया था, हीमोफीलिया एक हीमोफीलिया था। हीमोफीलिया बेसिकली एक, आपको बता दूं, रानी विक्टोरिया का नाम सुना होगा, रानी विक्टोरिया ने इसकी खोज की थी, विक्टोरिया ने खोज की थी, ठीक है। इससे भी अनुवांशिक रोग कहा जाता है, अनुवांशिक रोग है ये, और इस, हाँ जी, रॉयल डिजीज, बिल्कुल,
एक प्रकार से ब्लड या ब्लडर्स डिजीज होता है ये, रानी विक्टोरिया ने इसकी खोज की थी इस रोग। रानी विक्टोरिया ने खोज नहीं करी थी सर, इसकी खोज वैज्ञानिक ने करी, रानी विक्टोरिया पे पाया गया था ये गुड़। सॉरी हाँ, रानी विक्टोरिया पे ये गुड़ पाया गया था, बिल्कुल सही जवाब, रानी विक्टोरिया पर ये गुड़ पाया गया था, हीमोफीलिया। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में, ठीक है, उन पर पाया गया था ये रोग, उसका नाम था रॉयल, एक नाम रखा था रॉयल डिजीज और ब्लीडर्स डिजीज डिजीज, ठीक है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रुधिर का जो थक्का है वो नहीं बन पाता है, रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे व्यक्ति रक्तस्राव होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है इसमें, ठीक है, इसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, कंडीशन ये ही है कि यक्स वाई पुरुष होगा समान, यक्स पर एच है हीमोफीलिया और वाई, तो यानी ये हीमोफीलिया से क्या है, प्रभावित है। महिला में अगर हम बात करते हैं ये मेल का है, अगर हम फीमेल की बात करते हैं, एक मिनट, फीमेल में यक्स यक्स जो है सामान्य है और एक यक्स वहां पर प्रभावित हो सकता है, यक्स यक्स जो है यहाँ पे फीमेल में सामान्य है, यक्स एक प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ये यक्ष जो एक प्रभावित है ये क्या कहलाता, किस रूप में है, महिला वाहक के रूप में है, महिला किस रूप में है, यहाँ भी महिला ही वाहक होती है इसमें भी। हाँ, यही वही कंडीशन है जो अभी आपने वर्धांतता में पढ़ा है, यही भी वही कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद एक हमने पढ़ा था अभी जो है रंजकहीनता, रंजकहीनता, ठीक है, रंजकहीनता भी एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक रोग है, क्या है ये, अनुवांशिक रोग है। इस रोग में जो जीन होता है वो कौन सा होता है, यक्ष गुणसूत्र होता है। इसमें भी इस रोग से ग्रसित रोगी में आपको बता दूं, मिलेनिन नामक वर्णक का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे हमारे त्वचा का रंग, बालों का रंग उड़ जाता है, त्वचा का रंग, बालों का रंग उड़ जाता है। वजह है मेलिन नामक जो वर्णक है इसका निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट रंजकहीनता में, ठीक है। उसके बाद क्या था, सिंड्रोम, सिंड्रोम, सिंड्रोम में आपको पता है 46 गुणसूत्र आप ध्यान रखिएगा मानव में पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, 22 गुणसूत्र को क्या बोला जाता है, ऑटोसोम बोला जाता है, एक गुणसूत्र को क्या बोला जाता है, जो दो गुणसूत्र हुए, एक महिला एक फीमेल में लैंगिक गुणसूत्र बोला जाता है ना, लिंग निर्धारित करता है वो, ठीक है, स्त्री और पुरुष में अलग अलग होते भाई, इसलिए उसे हेट्रोसोमस कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, तो शिशु के लिंग निर्धारण में नोट करिएगा, क्या हुआ, वहीं रख दो, शिशु के लिंग निर्धारण में पुरुष का वाई गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है,
यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और समझिएगा, मान लीजिए पिता और माता, पिता में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान सुनिएगा आप सभी लोग, टोटल गुणसूत्र पर 44 गुणसूत्र क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे, और एक क्या होगा, एक्स वाई होगा। प्रजनन करेंगे तो युग्मक का निर्माण होता है इस प्रक्रिया में, और यहाँ पे 44 जो ऑटोसोम है और एक्स है, ये प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, ये भी एक प्रकार से जायगोट का निर्माण, यहाँ पे ओवम का निर्माण होता है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो स्पर्म का निर्माण होता है, यहाँ ओवा ओवम का निर्माण होता है। एक अर्धगुणसूत्री विभाजन भी होता है, अर्धगुणसूत्री विभाजन का पार्ट अगर हम बात करते हैं तो वो 23 और 23 होता है। इसमें आप ये कह सकते हो कि जो 22 ऑटोसोम है प्लस एक यक्स है, इसको हम बोलते हैं पहला स्पर्म। ये दो प्रकार का होता है, और एक 22 ऑटोम की बात करेंगे प्लस में एक वाई की बात करेंगे, तो ये आपका कौन सा स्पर्म है, दूसरा स्पर्म है। तीसरी बात यहां पर ध्यान दीजिए, 22 ऑटोसोम होगा प्लस एक यक्स होगा, तो ये भी ओवा यानी महिला का, और यहाँ पे वही प्रतिक्रिया, दोनों का मीनिंग वही होगा, एक्स एक्स क्योंकि दो बार है, दो एक्स होता है ना, डबल एक्स होता है, इसलिए ओवम भी महिला का होगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं आपसे एक बात बताऊं तो 22 ऑटोसोम प्लस यक्स तो बेसिकली 22 ऑटोसोम प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 44, और जब 44 हो गया तो ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो क्या बनेगा, डबल एक्स, इसका मतलब हुआ कि लड़की पैदा होगी, है ना। अगर 22 ऑटोसोम प्लस में एक यक्स, यहाँ दूसरा है ना, अब दूसरा वाई होगा ना, यहाँ पे दूसरा वाई होगा, यही ना, एक यक्स होगा इसमें का और एक वाई होगा, तो यहाँ पे 44 और एक्स वाई होगा, तो क्या होगा, लड़का होगा। तो ये आपका रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे इस तरीके से ऑटोसोम। ठीक है, कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या में अथवा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जब गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा तो वहीं पर हमें देखने को मिलेगा सिंड्रोम, और सिंड्रोम होता है दो टाइप का। सर इसमें 22 को जो ऑटोसोम एक को क्या बोल देंगे, तो 23 वाला है उसको क्या बोलते हैं, किसको सर, ऑटोसोम 22 को तो ऑटोसोम बोलेंगे, तो वन बचेगा उसको वो फर्स्ट स्पर्म रहेगा ना, पहला स्पर्म रहेगा, उसके साथ 22 प्लस यक्स जो है ये मेल का है या फीमेल का है, तो ये पहला स्पर्म है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में है ना, तो अगर मान लो वो, मान लो अगर ये, अगर मैंने मान लो फीमेल रखा है इसको, इसको मैंने फीमेल मान लिया, मान लो तो पहला यक्स यहाँ पे रख लिया, फीमेल में डबल एक्स होता है, दूसरा एक्स भी रखूंगा तब भी लड़की होगी, यहाँ पे फिर ये वाई नहीं आएगा, फिर ये हट जाएगा ना, फिर यहाँ पे एक्स हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे मैंने मेल रख लिया तो 22a प्लस एक्स करूँगा, तो मेल वाले में पहले में लड़की हो जाएगी, दूसरे वाले में जो है एक्स वाई होगा तो वहाँ पे लड़का होगा। ठीक है, तो ये होता है इसमें। ठीक है, वही प्रतिक्रिया है। सिंड्रोम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सिंड्रोम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। चलो सिंड्रोम के बारे में कल बात करेंगे, है ना, सिंड्रोम के बाद आपके टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखिए। इसमें भी एक हेटरोसोमस है और एक ऑटोसोम है। सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा डाउन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, क्लाइनफेल्टरल सिंड्रोम आएगा, डाउन सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एक होता है, एक क्रिमिनल सिंड्रोम होता है,
ठीक है, इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। हाँ सर, मैं आसिम बात कर रहा हूँ, मैंने ओबीसी की डिटेल लिखा।